दोस्तों आप लोग ऑलरेडी जानते हो हर 2 साल में या फिर 25,000 किलोमीटर में आपको मोटरसाइकिल की ब्रेक फ्लूइड चेंज करना होता है, नहीं तो ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक पिस्टन जाम होने का चांसेस रह जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप ना करके देखिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाई चांस अगर आप मिस कर जाते हो तो ब्रेकिंग सिस्टम में एयर बबल आने की वजह से ब्रेकिंग एफिशिएंसी खराब हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो जो ऑयल टैंक का लीड है इसमें डायरेक्शन दिया हुआ रहता है कि कौन सा ब्रेक ऑयल आपको अप्लाई करना होता है। चाहे आप यामाहा लूप का .4 ब्रेक फ्लूइड बाई कर सकते हो, 150 रुपये में आपको मिल जाता है 100 ml का बोतल, या फिर आप अगर .3 अप्लाई करना चाहते हो तो कैस्ट्रॉल का 500 ml का बोतल आपको 200 से 250 के बीच मिल जाता है आसानी से किसी भी इंजिन ऑयल स्टोर में। स्टेप 1 में आपको हेल्प लेना पड़ेगा एक ड्रॉपर का। मैं यूज़ कर रहा हूँ एक डिस्पोजल पैन। आप चाहो तो क्लीन कपड़े से भी ऑयल टैंक के अंदर जो ऑयल है उसे निकाल सकते हो, ताकि जो फ्रेश ऑयल हम लोग डालेंगे वो पुराना ऑयल के साथ मिक्स ना हो पाए एंड नया ऑयल का वेस्टेज भी कम हो। टैंक को हम लोग फुल कर देंगे न्यू ब्रेक फ्लूइड से। सेकेंड स्टेप में आपको हेल्प लेना पड़ेगा इस टाइप का एक फीट या 2 फीट साइज का पाइप का, जो आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर में ओनली ₹10 में मिल जाएगा। एंड इसे सेट करना है आपके जो ब्रेक का ब्रेक कैलिपर है उसके इस पॉइंट में। ब्रेक ऑयल पेंट को खराब कर सकता है, इसीलिए इस पाइप यूजफुल होगा। अगर आपके पास नहीं है तो जहाँ पे ब्रेक ऑयल गिरता है इमीडिएटली वहाँ पे पानी से क्लीन कर लेना है, ताकि वो पेंट को खराब ना कर पाए। दोस्तों फाइनली थर्ड स्टेप, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है, बस आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको इसके लिए चाहिए 11 नंबर का स्पैनर या फिर 11 नंबर का रेंज। इस बोल्ट को लूज करने से पहले ब्रेक को हमें पंप कर लेना है, 5-6 बार इनफ होता है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान देना है कि हमें रिवर को रिलीज नहीं करना है। एंड 11 नंबर का स्पैनर से ब्रेक कैलिपर का जो फ्लूइड बोल्ट है उसे करना है लूज। एंड लूज करने से आप देख सकते हो पाइप में ऑयल निकल आएगा, एंड देन फिर से हमें इस बोल्ट को कर देना है टाइट। एंड आफ्टर दैट आप जो लीवर है उसे कर सकते हो रिलीज। इससे क्या होगा, ब्रेकिंग सिस्टम में कोई एयर बबल नहीं जाएगा। एंड साथ ही साथ .4 या फिर .3 जो भी ब्रेक ऑयल आप डालना चाहते हो उसे टॉप अप कर देना है। आप देख सकते हो ब्रेक लीवर पंप एंड देन ब्रेक लीवर को बिना रिलीज किए हुए फिर से बोल्ट को लूज एंड फिर से इसे टाइट। हालांकि प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन 10 से 12 बार इसको अगर आप रिपीट करते हो तो आप लोगों का ब्रेकिंग सिस्टम से जो पुराना ब्रेक फ्लूइड है वो टोटली ड्रेन हो जाता है एंड नया फ्लूइड आप इससे फिल कर सकते हो। प्रोसेस कंप्लीट होने से ऑयल का मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल चेक करके आपको कैप को अच्छे से टाइट करना है एंड जॉब डन। ये आप घर पे ही कर सकते हो एंड कुछ मनी भी सेव कर सकते हो, जो अपने बिलावेड फ्रेंड या फिर दोस्तों के ऊपर स्पेंड कर सकते हो। तो ऐसे ही बजट फ्रेंडली मेंटेनेंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूट्यूबियन डेज।